हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सर अविनाश जो स्मार्ट साइंस एकेडमी चलाते हैं यहाँ पे बापू नगर में। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे सक्सेसफुल पर्सन के बारे में, सक्सेसफुल लाइफ के बारे में। सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी लाइफ में क्या क्या अच्छी आदतें हैं, क्या क्या उसका लाइफ स्टाइल है, वो अपनी कैसी अपनी लाइफ को कैसे रन करता है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। आप कितने सक्सेसफुल लोगों से मिले हैं, पहले तो ये बताइए सक्सेस की परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा है आपकी सक्सेसफुल होने की? एज ए कॉमन मैन समझता है कि वो सक्सेसफुल पर्सन तब माना जाए तब उसे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी उसके पास गाड़ी हो या अच्छा घर हो। नॉर्मल ये इंडियन ये थिंकिंग रखते हैं कि हम अपने करियर को अचीव कर लें और एक उस मुकाम पे पहुंच जाएं। दैट्स इन अकॉर्ड हियर सक्सेस, जब आपको खर्चे की दिक्कत नहीं हो। yes. यही है ना। yes. एक आम आदमी के लिए सक्सेस अभी। अब सक्सेसफुल लोगों से मैं जितने लोगों से मिला, मैं राष्ट्रपति जी से भी मिला, तो मैं आपको कहता हूँ इससे ठीक उल्टे होते हैं वो। ओके। पांच छह चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके अंदर देखी जाती हैं। पहली है कि वो फेलियर से नहीं घबराते, कितना ही फेलियर हो जाए। जैसे मैं अब्दुल कलाम साहब से मिला, रियलिटी ये है कि जैसे अंग्रेज कह के गए थे कि भारत एक सोता हुआ शेर है, तुम सोते हुए शेर हो। या हर आदमी, जैसे आपने कहा कि हर आदमी चाहता है कि उसकी इतनी इनकम हो जाए कि उसे फिर काम नहीं करना पड़े, पैसा सहज रूप से आ जाए, काम नहीं कराना। आप उदाहरण भी ऐसे ही देते हैं, देखो साहब 20 दुकानों का किराया आता है, काम करने की जरूरत ही कोई नहीं है। बोलो साहब चार फैक्ट्री चल रहे हैं, चार फैक्ट्रियां चलती हैं इनकी, और इनको क्या पैसे की कमी है, ये तो आराम से एसी चला के बैठे रहते हैं दिन भर, इनके मैनेजर आते हैं बात करते हैं और चले जाते हैं। अब वो ये जो हमारे धारणा बनी हुई है, हमारे मन में यही धारणा बनी हुई है कि सब सक्सेसफुल आदमी वो है कि जो पैसे वाला है या जो अच्छी नौकरी है, जिसके पास में अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है। इससे ठीक उल्टा होता है, हम सिर्फ बाहर बार का देखते हैं। अब हम इंटरनली बात करते हैं कि सक्सेसफुल आदमी की मनोदशा कैसी होती है। सबसे पहली चीज, कितने ही फेलियर्स आए, कितने ही फेलियर्स आए, वो बिल्कुल नहीं घबराते। आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे यहाँ इसरो के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने रॉकेट छोड़ा था, उस सैटेलाइट लॉन्च और काफ़ी प्रोग्राम था हमारा बहुत शानदार, चंद्रयान वाला यान, ठीक है, वो मिशन फेल हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाया। अभी क्या ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी उनको गले लगाएं, वो तो फेलियर है, उनका मिशन तो फेल हो गया। एक आम आदमी, अब मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूं तो आप ऐसा उनके साथ नहीं करेंगे, या मैं किसी आम आदमी को उठा के प्रधानमंत्री बना दूं तो वो ऐसा उनके साथ कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहेगा तो फेलियर है, इसका तो मिशन ही फेल हो, उठ के चल देगा। लेकिन सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं करता, फेलियर्स को स्वीकार करते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं रोज और उसको इम्प्रूव करते हैं। बिल गेट्स कितनी बार फेलियर हुआ बताने की जरूरत है क्या? फिल्में बनी हुई हैं। स्टीव जॉब कितनी बार फेल हुए? फिल्में बनी हुई हैं। पायरेट्स ऑफ द सिलिकॉन वैली आप देखो, देखोगे कैसे, समझोगे कैसे, उसका डब्ड वर्जन देखो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश कॉलेज में, तब सब थोड़ी समझ में आएगी। इन सब की जीवनियां आप पढ़ सकते हो, biography.com एक साइट है, उसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े, उसमें मोदी की भी जीवनी है। तो सक्सेसफुल आदमी की पहचान ये है कि फेलियर से नहीं घबराता। कहते हैं ना कि वो क्या सवार चलेंगे जो सवार जो मैदान जंग में, जिनके जिनके घुटने नहीं टूटते, जिनके पैर नहीं छिलते, जिनको चोटें नहीं लगती, जो चोटों से घबराएंगे वो कभी भी, जो फेलियर से घबराएंगे, इसका मतलब ये है फेलियर से जो घबराएगा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
क्योंकि सक्सेसफुल ये नहीं है कि बस आपने ट्रेनिंग ली और आप जाके आपने काम किया और आप हो गए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। किस्मत है अगर आप फर्स्ट चांस में हो गए तो हो गए, बहुत अच्छा, और नहीं हुए तो आप उस फेलियर से सीखो और उससे सीख के वो इम्प्रूवमेंट लाओ, उस कमी को दूर करो और फिर दोबारा अटेम्प्ट करो। तो इसरो के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आंसू पहुंचते हुए यही कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाई उन्होंने यही कहा कि हम इस मिशन से बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सक्सेसफुल आदमी की ये पहचान है। इसरो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारत देश का, एक ऐसी सरकारी कंपनी है कि जो सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि स्पेस एक्सपेडिशन में आप गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, गलतियों का मतलब है कि आदमी गया मर जाएगा उसमें, आपने स्पेस में आदमी को भेजा और आपने कुछ गलती कर दी वो मर जाएगा, वो बात अलग है कि वो पहले से ही एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं। तो ये लोग फेलियर से नहीं घबराते। ये सबसे बड़ा क्लासिक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको जो रिसेंटली जो अभी हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, लोग डॉक्टरी पेशे में आ रहे हैं, लोग टीचिंग के पेशे में हैं, जो लोग आपके डांसिंग में हैं, म्यूजिक में हैं, फिल्म्स में हैं, आप देख लो कितने स्ट्रगलर्स हैं मुंबई के अंदर। यहाँ से चले जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते प्रॉपर, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं तो ईगो नहीं छोड़ते, कहीं पे उनको ऑडिशन से निकाल दिया तो अब वो जो कमी रह गई वो कमी दूर नहीं करते वो, और जब तक दूर नहीं करते वो धक्के खाते रहते हैं। अब उस आदमी को 20 साल क्यों लगे जो एक है ना एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसको 20 साल क्यों लगे एक्टर, हाँ क्यों लगे उसको 20 साल? या हमारे जयपुर का जो है एक एक्टर और है इरफान, हाँ इरफान खान, उसको इतना समय क्यों लगा? क्योंकि फेलियर होते गए, फेलियर से सीखते गए, फेलियर होते गए फेलियर से। और ये अगर ये ले बैक एटीट्यूड हो जाता कि नहीं भैया हम तो फेलियर हैं, ठीक है वो तो हो नहीं सकता कि रोजी रोटी का सवाल है, रोज की रोजी रोटी का सवाल है। तो इन्होंने क्या किया, अपने फेलियर से सीखा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत हैं, करोड़ों की तादाद में हैं पूरे भारत में, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। हर फेलियर पर अपने आप को इम्प्रूव करना वो करते नहीं, प्रॉपर आदमी से प्रॉपर जगह की ट्रेनिंग नहीं लेते। कोई आदमी एक्टिंग अच्छी सिखा सकता है, कोई अच्छा वॉइस इम्प्रूव कर सकता है, कोई अच्छी बॉडी लैंग्वेज सिखा सकता है, ये नहीं। एक आदमी से सीखा, 10 चीज़ें सीख ली, ठीक है, और सारी अध कचरा है, और जाके अटेम्प्ट करने लग जाते कि हम ऑडिशन में क्यों नहीं पास हुए, वो नहीं हुए। जब तक उस जो डायरेक्टर है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जो कैमरामैन है, इन सब ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको जो एक्टिंग करवाई जा रही है, ये मैंने उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो जब तक आप उसमें सफल नहीं होगे, जो उनको चाहिए आपसे मतलब नहीं है, उनको क्या चाहिए अगर वो आप नहीं दे सकते तो आपको वो पास नहीं करेंगे। लाइफ ये है, फेलियर ये है। और इसीलिए जब आप सेलिब्रिटी बन जाते, जब आप सफल हो जाते हैं, 2-5-10 अच्छी फिल्में आप दे देते हैं, तो उसके बाद में आप अपना रेट बढ़ा देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कर देते हैं, यही होता है। और ये होगा क्योंकि वो देखता है कि मैं अभी तक जितना घिस घिस के यहाँ तक आया हूँ, जितना मैं तो मैं उसका सारा खामियाजा, सारा जितना भी है वो सारा हिसाब किताब पूरा कर लूँ, क्योंकि अब मोमेंटम क्रिएट हो गया है, अब मेरी एक्टिंग को डायरेक्टर भी अप्रिशिएट कर रहा है, जो वो चाहता है मैं उसको दे रहा हूँ, पब्लिक भी अप्रिशिएट कर रही है, पब्लिक ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया है, तो अब मैं वो चार्ज भी कर सकता हूँ क्योंकि अब डिमांड हो गई है, पब्लिक में मेरी डिमांड हो गई है। अनसक्सेसफुल आदमी उल्टा सोचता है, वो सोचता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, ठीक है, पब्लिक बेवकूफ है। अनसक्सेसफुल टीचर ये सोचता है मैं अच्छा टीचर हूँ और स्टूडेंट बेवकूफ है। अनसक्सेसफुल डॉक्टर ये सोचता है मैं अच्छा डॉक्टर हूं और मरीज बेवकूफ है। मरीज तो रोज उस चीज को फील करता है, दवाइयां लेके फील करता है, बताता है, भगवान समझ के बताता है अपने डॉक्टर को, उसको ऑपरेशन होता है तो बताता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ऐसे लोग, सक्सेसफुल लोग दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया क्या कह रही है, माँ बाप क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, भाई बहन क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते ऐसे लोग, उनकी एक धुन है बस,
कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। बनना नहीं है, बनना अपने आप होता है। आप नहीं बनते, दुनिया आपको बनाती है, दुनिया आपको बनाएगी। वो आप तो उसे प्रयास कर सकते हो, आपसे मेहनत कर सकते हो। तो ये दूसरों का सर्टिफिकेट, दुनिया का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं घूमते कि आप इनको कंफर्म करो। ये खुद मुख्तार होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होता है इनमें। इनको परवाह नहीं है कि आप माँ बाप हो इनके, आप रिश्तेदार हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको आप क्या कह रहे हो। एक कान से सुनेंगे भी नहीं, वो यूं टकराएगा और यहीं की गिर जाता है। कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दे, ये इतना भी नहीं करते। वो यूं आता है, टक टक करता है, गिर जाता है वो शब्द। तो सक्सेसफुल आदमी दुनिया की से सर्टिफिकेट मांगता हुआ नहीं घूमता कि तुम मुझे सर्टिफाई करो, बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि फेलियर्स तो आएंगे, स्ट्रगल तो होगा, मुझे ये सब करना होगा, और मैंने जो राह चुनी है, किस राह में स्ट्रगल नहीं है मुझे बताओ आप। तो एज सक्सेसफुल आदमी कभी भी दुनिया से कंफर्मेशन नहीं मांगेगा, और जो मांगे वो कमजोर है, पॉलिटिशियन कमजोर होते हैं। बहुत सिंपल है, जब तक आप उनको 5 लाख वोट दे रहे हैं तब तक ठीक है। आप 5 लाख वोट देने बाद फिर आप उनकी हालत देखिए, वो कमजोर हो जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कंफर्मेशन नहीं लेते दूसरों से, इनको कोई इनको बस एक धुन है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, और इनको अच्छा भी लगता है वो काम करना। ये अपनी चॉइस का काम पकड़ते हैं, दुनिया के कहने से नहीं पकड़ते, माँ बाप के कहने से नहीं पकड़ते, अपनी चॉइस का काम पकड़ते हैं। ये है, ये इन सक्सेसफुल लोगों की पहचान है। तीसरा जो इनका सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है, जो इनका कैरेक्टर एट्रीब्यूट है, जो गुण है, वो है कि ये कोई भी ऐसी बड़ी परचेज, जैसे बड़ी गाड़ी खरीदना या बड़ा बंगला मकान खरीदना, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। इनको इनको पता है वो तो आ जाएगा, पहले सक्सेसफुल तो हो जाओ, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा, पहले सक्सेसफुल तो हो। तो ये उस पर फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो एक बंगला गाड़ी एक नहीं मिलेगा, सैकड़ों बंगला गाड़ी आप खरीद सकते हो। फिर तो पब्लिक बहुत है, पब्लिक पैसा देती है, लगाती है। फिर क्या आप सक्सेसफुल लोगों की जो फोर्थ एट्रीब्यूट है वो है कि ये लोग कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि ये लोग, इन लोगों का कम्युनिकेशन इतना इंप्रूव करते हैं, इतना सीखते हैं, उसको रोज रोज इंप्रूव करते हैं। एक गलती हो गई, डायरेक्टर से बात कर रहे थे, वो फिल्म हाथ से निकल गई, और बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा रोल था ये। मान लो एक, मैं उदाहरण बस एक ही उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ एक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये वो गलती दूसरे डायरेक्टर के साथ नहीं दोहराएंगे। कम्युनिकेशन सीखते हैं और कनेक्ट होना सीखते हैं। कि अभी पिछली फिल्म के अंदर मैंने देखी, तो कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ एक्टर्स क्या करते हैं, अपनी फिल्मों के रिव्यूज देते हैं सॉरी कि मैंने अपनी फिल्म देखी और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, इंटरव्यू में बोलते हैं। मैं तो अपनी फिल्म देख ही नहीं पाया, बस 10 मिनट बाद ही मैंने ऑफ कर दिया। ये वो एक्टर्स हैं, ये वो सक्सेसफुल लोग हैं जो कि रोज रोज इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को दूर कर रहे हैं, अपनी एक्टिंग के अंदर जो गलतियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, परफेक्शन लेकर आ रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? खुद के लिए। और खुद के लिए ले आएंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगी। आप खुद के लिए नहीं लाते हो तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। पांचवी जो सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट, जो गुण होता है सक्सेसफुल लोगों का, वो ये होता है। तो ये क्योंकि हमने एक एक्टर को माना है, सक्सेसफुल एक्टर को माना है, एज ए उदाहरण लिया है, तो वो अपने आप को रोज रिन्यू करते हैं। अब क्या मतलब है रिन्यू करने का? रिन्यू करने का मतलब ये है कि इन्होंने जो एक एक्टिंग पकड़ ली, कि एक रोल कर लिया, एक कैरेक्टर कर दिया, अब कोशिश करते हैं कि ऐसा कैरेक्टर दोबारा ना करें, नए रोल, नए कैरेक्टर्स। अगर कोई डायरेक्टर लेकर आता है और इनका मैनेजर कहता है कि सर ये ऐसे है ऐसे, और बहुत सारी एक पूरी टीम बैठती है, उसकी समीक्षा करती है, 10 स्क्रिप्ट्स आई हैं तो 10 स्क्रिप्ट्स की समीक्षाएं की जाती हैं, और इनका पूरा स्टाफ होता है, और वो सब लोग जो जैसी राय देते हैं, उनमें कुछ लोग इनके क्रिटिक्स भी होते हैं,
क्रिटिक्स को भी इनवाइट किया जाता है वहाँ पे और पूछा जाता है कि साहब हम कैसे अभी इस रोल में कैसा रहेगा, ऐसे कैसे और ये आपके साथ आपकी इमेज के साथ चलेगा कि नहीं। और जो सक्सेसफुल एक्टर होता है वो इमेज को तोड़ने की कोशिश करता है। ओके, मान लीजिए अभी तक उसने 5 फिल्में दी और बिल्कुल नया, एकदम नया नया सक्सेसफुल हुआ है और 5 फिल्मों में उसने सब अच्छे अच्छे रोल किए हैं, अच्छे अच्छे आदमी के रोल किए, तो 6ठा 7वीं फिल्म वो कोशिश करता है कि ऐसी मिले उसको, क्योंकि फिर तो स्क्रिप्ट की लाइन लग जाती है, डायरेक्टर्स की लाइन लग जाती है, पैसा खूब आ रहा होता है, वो भटकता नहीं है, वो अपने आप को रिन्यू करता है, वो शेड भी दिखाना चाहता है दुनिया को कि जो एक्टिंग में उसने सीखा है परफेक्ट किया है, और वो कहता है दुनिया को कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरे साथ में आप आइडेंटिफाई मत करो। वो दुनिया को ये सबक देना चाहता है कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एंटरटेन करने के लिए आपको आया हूँ, आप मेरी फिल्म देखो और पैसा वसूल और एंटरटेनमेंट। वो कतई ये नहीं चाहता कि मैं एक स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता, तो वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता। छठा जो एट्रीब्यूट है एक सक्सेसफुल आदमी का, सभी एक्टर्स आप देख लीजिए वो डांस क्लासेस जाते हैं, जो अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं डांस क्लासेस जाएंगे और स्पोर्ट्स की कोई क्लास होती है वहाँ जाते हैं, जिम, मेडिटेशन की क्लास में जिम जाते हैं, मेडिटेशन क्लास, अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं रोज, अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लुक्स मैटर, बॉडी मैटर, एक वीक बॉडी से आप कैसे स्ट्रेंथ निकालोगे, एक वीक बॉडी से कैसे अच्छी एक्टिंग निकालोगे, क्योंकि एक्टिंग में बहुत जोर आता है, दुखी एक्टिंग करने में आप और आप खुशी हैं एक्टिंग करने में, ये सब सब आप हंस भी रहे हैं तो ऐसे हंस रहे हैं कि जिसमें लार्ज इन लाइफ। शेक्सपियर ने कहीं कहा है कि लाइफ को ऐसे जियो जैसे नाटक है और नाटक को ऐसे जियो कि जैसे वही लाइफ है, तो लोग एकदम इन्वॉल्व हो जाएंगे और लोग भूल ही जाएंगे कि नाटक चल रहा है। तो उन्होंने जो थिएटर बनाया था लंदन में, जो थिएटर बनाया था और बहुत अमीर लोगों के बच्चों के साथ में वो काम करते थे, अमीरों से पैसा लेके वो ये सब काम करते थे, उसका नाम रखा द ग्लोब, लकड़ी का था वो और बिल्कुल गोल आकार में बनाया गया था और ऊपर आकाश तत्व जो है उसको खाली छोड़ा गया था। अपने JKK में अपन देखते हैं जो आर्किटेक्ट चार्ल्स ने ये बनाया, तो ये चौकोर सारे डायमेंशन इसके चौकोर हैं, लेकिन शेक्सपियर ने जो बनाया था वो गोल बनाया था जिससे हर डायमेंशन से जो देख सके, जो दर्शक है वो हर डायमेंशन से एक्टर को देख सके, समझ सके उसकी एक्टिंग को। तो ये रोज मेडिटेशन करते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करते हैं जिनसे मेडिटेशन हो इनको, ये इस अवस्था में चले जाते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हो, सेल्फ क्लेंजिंग होती है माइंड की। अभी तक का जो बकवास चीज़ें हैं, जो कॉमेंट्स बाजी है और ये सारे सब कुछ, ये सब चीज़ें ये इरेज कर देते हैं, एकदम रिन्यू हो जाते हैं, फ्रेश जैसे फैक्ट्री से अभी निकला है दिमाग। साइकोलॉजिकली आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है बच्चे की तरह, क्योंकि किसी भी नए प्रोजेक्ट को करने के लिए रोज, आज का एक दिन आया हमारे पास, अभी हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आज का जो दिन है ये एकदम फ्रेश है। अगर हम इसको आज से 5 साल पहले जो हम सोचते थे उस हिसाब से अप्रोच से अगर इसको करेंगे, अप्रोच करेंगे इस दिन को, तो गलत होगा। तो रोज एक नई शुरुआत होती है, रोज अपने आप को रिन्यू करना पड़ता है। तो वो रिन्यू आप करोगे कैसे, वो आप करोगे मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन का मतलब है कि मेडिटेट करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को क्लेंज कर रहे हो। हम चमड़ी को क्लेंज करते रहते हैं, नहाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते हैं, कपड़े भी हम क्लीन करते हैं, हम अपने मन को क्लेंज नहीं करते। तो मन की सफाई जो है वो मेडिटेशन से होती है। मन को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट है बेचारा जिससे कि आप काम में लेना है आपको, आपकी बॉडी एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको काम में लेना है, चाहे आप कुछ भी काम करो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस में हो। तो सक्सेसफुल लोगों की ये पहचान है, ये 6 एट्रीब्यूट से मैं दोहरा देता हूँ। पहला है कि फेलियर से नहीं घबराते, दूसरा वो दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया क्या अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते, वो कौन क्या कह रहा है वो वही करते हैं कि जो उनके प्रोफेशन में, जो उनके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही इसमें सब कुछ है। जो सेल्फ इम्प्रूव नहीं कर रहा है वो अटक गया, उसकी सुई अटक गया, वो खत्म है,
क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि उसको कहीं जगह ही नहीं है, ही हैज नो प्लेस टू हाइड। तीसरा है वो पोस्टपोन करते हैं लग्जरी आइटम्स को, बड़ा बंगला हुआ, बड़ा मकान हुआ, बड़ी गाड़ी हुई, 10 साल 20 साल 30 साल तक पोस्टपोन करते रहते हैं। वो बहुत जल्दी 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 इन पे पैसा लगा के अपने आप को कर्जे में डुबोने की वो नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लाइबिलिटी अगर पाल ली तो फिर हम लोग कैसे फोकस कर पाएंगे अपने काम पे, क्योंकि फिर इसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर ये कनेक्ट होना जानते हैं, चौथा है पॉइंट है कनेक्ट होना जानते हैं। किन से कनेक्ट होना जानते हैं? जिन जो इनके प्रोफेशन के लोग हैं, फालतू आदमी से बात ही नहीं करते, ये आम पब्लिक से कम मिलते हैं। जो आदमी नेगेटिव है चाहे वो परिवार में ही है उसे उसको अवॉइड करेंगे, ये चाहे दोस्ती है वो अवॉइड करेंगे उसको। मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो नेगेटिव स्टूडेंट्स को लेते ही नहीं है, मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि नेगेटिव पेशेंट्स को लेते ही नहीं है, वो फोन पे ही अवॉइड कर देते हैं, बोले इसको अवॉइड करो यार, ये 1000 रुपये देगा फीस के लेकिन ये 5000 का टाइम खा जाएगा मेरा, तो टाइम की कीमत करते हैं ये लोग। चौथा पॉइंट ये कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस सबसे गले मिल लें, ना, कनेक्ट होने का मतलब ये है आप प्रोफेशनली अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, प्रोफेशनली, चाहे बिजनेस में हो चाहे आप कैसे भी हो, अपने समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, ये टाइम बॉम्ब है हमारी, हमारी बॉडी एक टाइम बॉम्ब है, 60 साल चलनी है, 70 साल चलनी है, ये 60 साल में आप आधा तो वैसे ही घटा दो, नींद में जाता है, इसको आराम देने में जाता है, रिचार्ज करने में जाता है, बाकी धीरे धीरे निकालते 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 आपके पास टोटल कितने ऐसे, आपने जोक्स भी पढ़े होंगे आते हैं और आप काफ़ी मैटर आता है, लगभग हमारे पास में प्रॉपर वर्किंग आवर्स जो बचते हैं उसके हिसाब से अगर हम दिनों में कैलकुलेट करें, 24 घंटों में कैलकुलेट करें, तो हमारे पास टोटल और सिर्फ कितने 8 साल बचते हैं। ये 8 साल का समय जितना है लगातार, तो ये 8 साल का समय हमें लगातार तो मिलता नहीं है कि भाई 8 साल लगातार हम जागते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये थोड़ा काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, फिर रिचार्ज करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर ये कभी सारी एक्टिविटी समय लेती है। तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट होने के लिए, अब इनको पता है कि अगर हमने थोड़ा थोड़ा समय भी अगर सबको दिया तो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे लोग, और नेगेटिव लोग तो ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचते हैं, ठीक है। और फिर जो पांचवा पॉइंट है वो उसमें क्या करते हैं, रिन्यू, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। रिन्यू का मतलब है कि ये अपने आप को रोज रीइन्वेंट करते हैं, अपनी छवि से बाहर आते हैं और ऐसी छवि को क्रिएट करते हैं जिसमें कि इनकी प्रोफेशन के रिक्वायरमेंट है। अब रतन टाटा सिर्फ जब उनको मिला था, जब टाटा एंटरप्राइज मिला था, बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सीमेंट था, लोहा था और वो ट्रक्स बनते थे, 3-4 चीज़ें थी बस, सिर्फ 3-4 चीज़ें थी। कैसे इस आदमी ने रीइन्वेंट किया सब कुछ, अपने आप को रीइन्वेंट किया, और उस टाटा इंडस्ट्री के पास में आज की तारीख में लगभग 250 कंसर्न्स हैं, 250 कंसर्न्स, TCS उनमें से एक है, पूरा टाटा ग्रुप आप समझ लीजिए। तो ये जो आदमी रीइन्वेंट करना नहीं जानता, अच्छा अपने ही हाथ से सिक्का को लेके आए थे, ठीक है, सॉरी मिस्त्री को लेके आए थे, अपॉइंट किया, 2 साल तक उसको मेंटोरशिप प्रोग्राम थी, मेंटोरशिप मतलब हैंड होल्डिंग होती है, उसमें सिखाया जाता है, सब जगह ले गए, मीटिंग करवाई, सबसे मिलवाया, सिखाया उसको, दिमाग को इन्फ्लुएंस किया, उसको समझाया ये ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, और वो देखा कि भाई ये ऐसे नहीं चला रहा है, उसको तुरंत निकाल दिया। तो ये सक्सेसफुल आदमी की पहचान है कि अगर वो देखता है कि मेरी जो मैंने एक जो मैंने एक पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है, उस एम्पायर को चलाने योग्य इसमें अगर योग्यता नहीं है, तो वो तुरंत डिसीजन लेता है, वो निकाल देगा, वो ऐसे आदमी को सौंपेगा सत्ता कि जिस जो आदमी जीरो से और हीरो बनना जानता है, जैसे कि जो बाला सुब्रमण्यम जो वो हैं, जो जो TCS के फाउंडर हैं, उनको उन्होंने लिया था, आज से 25 साल पहले उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया था और छोटे से गराज में उनको काम शुरू करवाया था। आज TCS देख लो सबसे बड़ी कमाऊ पूत है टाटा की। तो ये क्योंकि वो रोज रीइन्वेंट करना जानता है वो आदमी, इसलिए वो उसको चुना गया कि हम इसको ग्रुप के अंदर से इस आदमी को चुनेंगे, उसको बनाया गया। फिर डेली मेडिटेशन करते हैं,
तो ये छठा पॉइंट है, डेली मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के थ्रू ये अपने आप को क्लेंस करते रहते हैं कि मैंने आपको डांटा तो मेरे को गिल्ट क्यों रहे, मैंने आपको डांटा सही काम के लिए डांटा, सही बात के लिए डांटा, डांट पड़नी ही चाहिए थी, मैंने अगर आपको फायर किया तो सही फायर किया है, आपको फायर करना ही चाहिए था मुझे, क्योंकि आप तीन चार वार्निंग तक आप इतना नुकसान कर चुके थे, मुझे फायर करना ही चाहिए था। तो इससे जो गिल्ट पैदा होती है उसको क्लेंस किया जाता है साइकोलॉजिकल, कोई बर्डन नहीं है, ना तो मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ ना आप मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं, ये एक भाव जो आता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन भाव को भी जीवित रखना है तो एक बैलेंस होना जरूरी है व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, वरना वो बहुत निरंकुश हो जाएगा। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो उस व्यक्ति को सफल रखता है, उस व्यक्ति को लचीला रखता है, रिजिड नहीं बनाता। तो ये 6 एट्रीब्यूट्स मैं मानता हूँ, एक हाथ काफी नहीं इनको बताने के लिए, इसलिए मैं मानता हूँ कि जरूरी है एक सक्सेसफुल आदमी में, अगर इनको अपना लेता है कोई भी तो आज नहीं कल, समय लगेगा 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल होकर रहेगा जिस भी लाइन को पकड़े। और दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, ये कुछ चला नहीं ठीक है, हार के बैठ जाते हैं। भूलो मत कि सक्सेसफुल व्यक्ति फेलियर से नहीं घबराते, कितनी बार फेलियर है नहीं घबराते वो। एडिसन अगर ये बोलता, उसने बोला कि साहब मैंने 1011 बार मैंने इसका वो फिलामेंट बल्ब जो बना रहा था कंडेंसेंट बल्ब था, तो उसने बोला कि मैंने 111 बार इस पे तार लगाई अलग अलग धातु के ठीक है, अलग अलग उसमें गैस भर भर के, तो अगर मैं पहली बार में या 10वीं बार में 100वीं बार में हार जाता और मैं मान लेता कि नहीं, तब तो फिर दुनिया को ये बल्ब तो मिलता ही नहीं, बल्ब की टेक्नोलॉजी मिलती ही नहीं, दुनिया तो अंधेरे में ही रहती है, दिया ही जलाती रहती है। तो उस आदमी वो सक्सेसफुल था तो उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए, उसकी वजह से हम आज लाइफ में बैठे। तो एक आदमी की जिद, वो कहते हैं ना जिद करो दुनिया बदलो, तो जिद आप जिद करते नहीं, आप फेलियर होते और जिद छोड़ देते, 5-10 फेलियर आए आपके आपके करियर में, आपने छोड़ देते हो उसको, करियर ही चेंज कर लेते हो, लाइन ही चेंज कर लेते हो। ये जो करता है वो तो खत्म है, वो खत्म है, क्योंकि वो हर लाइन में ऐसा ही करेगा। फिर बाय चांस अगर उसको कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिल गई तो वो बड़ा फूल जाता है, तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ऐसे लोग कोई लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, ये भी लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, ये नरेंद्र मोदी नहीं होते, रतन टाटा नहीं होते, ये अंबानी नहीं होते, ये अंबानी का छोटा भाई आप देख रहे हो वो गलतियों पे गलतियां कर रहा है, ऐसे लोगों की संगत कर। अच्छा, ऐसे लोग संगत में भी ध्यान रखते हैं कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और मुकेश वो चुनता है, लोगों को चुनता है कि मेरे को किसके साथ उठना बैठना है, अपने अपने समय को प्रेशियस मानता है वो, हर एंगल से वो वैल्यू क्रिएट करता है, पंडित की भी मानता है वो, पुरोहित की भी मानता है, वास्तु शास्त्री की भी मानता है। उसने बोला कि साहब अभी इसके अंदर आपने जो बनाया है एंटीलिया बनाया है, इसके अंदर काफी प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिका ने वो तो बेवकूफ है, उनको तो ज्यादा पता नहीं है वास्तु का, वो आए और करा बना दिया ये सब, 7,000 करोड़ की बिल्डिंग है वो शायद इस तरह से, लेकिन करें क्या। तो उन्होंने 6 महीने वेट किया, 8 महीने वेट किया, नहीं पहले इसका वास्तु ठीक करो फिर हम, बोले साहब आप जिस गति से ऊपर गए उसी गति से नीचे आ जाएंगे, पंडित ने ये कहा, वास्तुशास्त्री ने ये कहा सब, तो उसका वास्तु ठीक करवाया गया 6 महीने तक, और उसके बाद में उनकी एंट्री। याद रखिए कि एक सक्सेसफुल आदमी, अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बात मानेगा, आपको हायर करेगा, वो जो भी आप फीस लेते हैं उस फीस पे आपको हायर करेगा और आपसे काम करवाएगा, सारे काम खुद करने की कोशिश नहीं करेगा वो, ये पहचान है उसकी, तभी वो सक्सेसफुल है। सारे काम वो खुद करेगा तो फिर एम्पायर कैसे खड़ा करेगा, सक्सेसफुल कैसे बनेगा फिर वो, तो उन्हीं छोटी छोटी चीजों में घुसता रहेगा, सारे काम कोई आदमी खुद नहीं कर सकता। तो बड़ा तना है, हम एक बड़े तने के हिस्से तो हैं, समाज के हिस्से तो हैं, इस पेड़ के, इस बरगद के, लेकिन उनमें से हम एक डाली ऐसे तना निकल गया और उस तने में जाके जो लास्ट में जो डाली है वो हम हैं। तो हमें ऐसा बनना है कि फेलियर से नहीं घबराना, अपने ऊपर काम करना है, अपनी आदतों को ठीक करना है, नई चीजें नई स्किल्स सीखनी है। लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं, लड़कियां रिजेक्ट होती हैं,
वो बेवकूफ था, वो ऐसा था, इंटरव्यू लेने वाला ऐसा था, वो गधा था, ये था, वो था, ये सब बकवास करते हो। वो क्यों सिलेक्ट हो गया, तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? स्किल सीखते नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल सीखते नहीं है, एटीट्यूड अपना स्किल्स, एटीट्यूड स्किल्स भी होती है वो सीखते नहीं है, ठीक है, आईटी स्किल्स सीखते नहीं है, सॉफ्टवेयर पे काम करना आता नहीं है, जहाँ वहाँ पर 8 घंटे सॉफ्टवेयर पे तो काम करना होगा आपको, ये सब टीम मैनेजमेंट स्किल्स आती नहीं, सॉफ्ट स्किल्स आती नहीं है, फिर वो कहते हैं हमें जॉब मिलता नहीं। जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि जो आपकी जो डिग्री वो तो हार्ड स्किल है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री जो सर्टिफिकेट मिलता है वो तो हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल तो है कैसे आपको वहाँ जाके कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे क्या, वो पहले ही आपको रिजेक्ट इसलिए कर रहा है कि आप फिट ही नहीं हो उनके कंपनी के एनवायरमेंट में काम करने के लिए, फिट ही नहीं हो आप, इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। वो दूसरे को क्यों ले रहा है, क्योंकि दूसरा थोड़ी सी ट्रेनिंग देने से वो ठीक हो जाएगा और वो इस लायक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही आपको काम पे बिठा देंगे, नहीं, आपको सीधा वो ट्रेनिंग में डालेंगे, पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रेनिंग में रखते हैं आप, उसके बाद में फिर आपको फ्लोर पे काम पे देते हैं, फिर आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो सक्सेसफुल आदमी की पहचान, अगर सक्सेसफुल आदमी उस कंपनी को चला रहा है तो वो ऐसे करेगा, ये एट्रीब्यूट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं एक एफिशिएंसी को निकालने के लिए। व्यक्ति आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल पुअर है, सॉफ्ट स्किल्स आपका पुअर है जो हम यहाँ सिखाते हैं, तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, आप जो कहना चाहते हो कर ही नहीं पाओगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, किसी को भी बनना है, आपको, मुझे, किसी को भी बनना है, इतने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये 6 चीजें आपको आज नहीं कल धक्के खा के भी लानी पड़ेंगी। राजी राजी ले आओगे तो अच्छी बात है, अभी ले आओगे तो अच्छी बात है, और धक्के खा के लाओगे तो उसमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत असुविधा भी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। भगवान ये नहीं कहता कि भैया तू बेवकूफ तरीके से जीना चाहता है, भगवान ये कहता है कि मैंने सबको बराबर मौके दिए हैं। एक अमीर आदमी, सक्सेसफुल आदमी के बच्चे भी बिगड़ते हैं, अगर वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे तो बिगड़ते हैं वो। और ऐसे अमीर, ऐसे सक्सेसफुल लोग भी मैंने देखे हैं कि जिनके बच्चे उनसे ज्यादा एम्पायर को बड़ा कर देते हैं, बिजनेस को बड़ा कर देते हैं। तो जब वो उनसे जन्म से उनको पाल रहे होते हैं तो वो जो संस्कार देते हैं उन्हीं से पता लगता है, वहीं तय हो जाता है कि बेटा कभी नहीं घबराना, फेलियर से कभी नहीं घबराना, लेकिन हमेशा ध्यान रखो एक गलती बार बार नहीं करना, अपने आप को रोज इंप्रूव करते जाओ। तो उन पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो 5,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ के आसामी हैं, वो एक्सपोर्टर हैं, और वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज उन्होंने भर्ती कराया है, वहाँ जाते हैं, उनको एम्बेरसमेंट होती है कि वहाँ के टीचर से हम बात नहीं कर पाते ठीक से, तो आप हमको इंग्लिश सिखाओ, कम्युनिकेशन सिखाओ, बॉडी लैंग्वेज सिखाओ, एटिकेट्स, मैनरिज्म्स ये सिखाओ। ये सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के सामने हम शर्मिंदा हों। बच्चा तो बढ़ रहा है, बच्चा तो सब कुछ सीख रहा है, हम नहीं सीख पा रहे, तो ये वो भी चीज सीखना चाहते हैं। तो ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और इस उम्र में भी ये लोग ये चीजें सीखना चाहते हैं। तो ये है सक्सेसफुल आदमी की निशानी, कि वो ये सब चीजें सीखने से पीछे नहीं हटता, वो ऐसे आदमी को हायर करता है, जो भी फीस हो उसको दे के ऐसे आदमी को हायर करता है, उससे सीखता है, तभी वो सक्सेस को मेंटेन कर पाएगा, और तभी उसका बच्चा भी उसको सुनेगा। नहीं तो बच्चा देखेगा मेरे बाप को इतना ही नहीं आता, बच्चा ये नहीं देखेगा कि मेरे बाप ने इतना पैसा कमा के मेरे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके मुझे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेजा है, वो स्वार्थी हो जाएगा। अब तो मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं क्यों जाऊँ इंडिया, वापस क्यों जाऊँ, मैं यहीं पर अपना कुछ बड़ा कारोबार करता हूँ, पैसे मंगा लेता हूँ, काम खत्म। नहीं, एक सक्सेसफुल आदमी का बेटा अच्छे संस्कार के साथ में वो ये सोचेगा कि मैं अपने पिता का बिजनेस जो है उसको 100 गुना क्यों ना बड़ा करूँ। चैलेंजेस तो मैं खुद का काम करूंगा उसमें भी आएंगे, चैलेंजेस यहाँ भी आएंगे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, चैलेंजेस रोज यहाँ यहाँ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि रोज यहाँ कंपेयर किया जाएगा उसको उसके पिता से, यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि किसी के लिए भी जीवन सरल नहीं है, और आप स्किल्ड हैं, अगर आप सहृदय हैं, अगर आप सक्सेस का एक पूरा माइंडसेट लेके चलते हैं, तो आपके लिए सब कुछ सरल है, पूरा जीवन आप
रेड कारपेट ट्रीटमेंट देगा आपको, आइए चलिए राजा की तरह। ऑन दैट नोट एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू? सर आपने सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को, उनकी हैबिट्स को काफी अच्छे से डिफाइन किया। देखा है मैंने लोगों को, देखा है अभी लोगों के, मैंने मिला हूँ आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिला हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मिला हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिला हूँ, प्रोफेशनल से लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर से मिला हूँ। तो मैंने यही सीखा है कि ये कभी भी, कभी रोज इंप्रूवमेंट करते हैं, रोज इंप्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर, ये कभी भी फेलियर से नहीं घबराते। और फेलियर से जो घबरा गया वो डिजर्व ही नहीं करता सक्सेस, वो सक्सेस डिजर्व ही नहीं करता। प्रकृति कहती है नहीं तुम इस योग्य नहीं हो, तुम यहीं रहो। वो पिरामिड है ना, ये समाज एक पिरामिड है, तो वो यहाँ नहीं आएगा कभी भी, वो यहीं रहेगा कहीं, स्ट्रगल करता रहेगा बीच में, प्रकृति उसको आने ही नहीं देगी वहां। तो ये जीवन का खेल है, और ये खेल अगर खेलना है हिम्मत वाला ही खेल सकता है, कायर आदमी नहीं खेल सकता। ओके सर, आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एट दी एंड मैं जानना चाहूँगा, इन शॉर्ट में ताकि वीडियो बड़ा ना हो, कि आज की जनरेशन जो हमारी जनरेशन है वो एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ से क्या सीख सकती है, अपने में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती है? सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन। ओके, आजकल के माँ बाप की यही कंप्लेन है, कभी कभी मेरी भी ये कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और डांटना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, ये करना है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं मेडिटेशन करवाता हूँ उनको। अब मेडिटेशन करवाने से उनके मन की जो सारी बकवास है सब साफ हो रही है, और जब बकवास साफ होती है तो क्या होता है, वो सुनते हैं। तो अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, जल्दी होना है, क्योंकि आजकल सब्र नहीं है जनरेशन, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करते ही आप इतने क्लेंस हो जाओगे कि आपको जो काम की बात है वो पकड़ोगे, और जो बेकार बात है वो छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कर दोगे आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप एटीट्यूड खराब कर लोगे लोगों के प्रति, नहीं, आप प्रोफेशनल हो जाओगे, सहृदय रहोगे। कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति का पता इस बात से लगता है कि सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति से जो काम कर रहा है, जो स्वीपर है, जो ये है, चपरासी है, जो ड्राइवर है, उससे कैसे बात करता है। तो सक्सेसफुल आदमी की पहचान ये है, वो किसी भी पायदान पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। कृष्ण जी तो ड्राइवर बने थे, yes. तो अर्जुन कैसे बात करता होगा उनसे? अर्जुन बड़ा झुक के बात करता था, अर्जुन बड़ा नम्रता से बात करता था, तभी तो उसको गीता मिली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स अपने जीवन में लानी है तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेडिटेशन, मैं सबको मेडिटेशन करवाता हूँ, हिप्नोसिस करवाता हूँ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते, बिलीव मी वो स्टूडेंट्स या तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, हार जाते हैं, अपना एटीट्यूड खराब कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर होता है कि वो लोग, अच्छा मैं देखता हूँ 5 years, 6 years, 10 years डाउन द लाइन कि वो कहीं पर भी कुछ भी सक्सेसफुल नहीं मिलते, कहीं कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग मीडिया कर रहते हैं बस, वो कर कैसे करेंगे? 5 साल बाद 8 साल बाद मेरे पास कई पलट के आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, और कहते हैं कि सब हमारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ये भी हो गया, और अभी भी हम वहीं पे उसी पोजिशन पर पड़े हुए हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो मेहनत से कतराते हैं, जो मेडिटेशन करने से कतराते हैं, जो ये चाहते हैं रातों रात सक्सेस मिल जाए। अविनाश सर ऐसा कुछ कर दें कि रातों रात सक्सेस मिल जाए। मैं यहां पर आपके जीवन से कांटे हटाने के लिए हूं, और मैं अगर आपको डांटता हूं या कुछ भी इस तरह की, मैं आपको मेडिटेशन करने को कहता हूं, मेडिटेशन बड़ा साइंटिफिक है, 60 साल से पूरा अमेरिका कर रहा है उसको, वैज्ञानिक कर रहे हैं उसको, नास्तिक लोग कर रहे हैं मेडिटेशन, मुसलमान कर रहे हैं, नास्तिक लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में एक ये बात है कि झुकना नहीं किसी के सामने, ये नहीं होनी, और वो भी उसको अपना लिए हैं, वो भी करते हैं मेडिटेशन, योग कर रहे हैं वो लोग। शरीर को स्वस्थ रखना है कि नहीं? शरीर को स्वस्थ रखेगा योगासन, और मन को स्वस्थ रखेगा मेडिटेशन, वो करते नहीं हो आप। तो आज की जनरेशन के लिए एक ही चीज़ है, अगर मेडिटेशन को साध लिया तो सब चीज़ें सध जाएंगी, और मेडिटेशन को अगर नहीं साधोगे तो ना तो कोई स्किल्ड बनोगे, ना अच्छा स्वभाव वाले बनोगे, कुछ भी नहीं, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर से फायर होगे, उधर से धक्का पड़ेगा, इधर से लात पड़ेगी, इधर से ये होगा, बस यही होता रहेगा तुम्हारे साथ। इधर गर्लफ्रेंड लात मार के चली जाएगी, लिव इन रिलेशनशिप 5 साल हो 10 साल हो, मतलब इससे मतलब नहीं है, बहुत रिवॉर्ड्स होते हैं। और इधर आपको बॉस भी लात मारेगा, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स आपको लात मारेंगे,
ये समझ लीजिए कि मेडिटेशन आपको उस अवस्था में ले जाता है, आपको मानव को मानव बना के रखता है। वो बहुत ज़रूरी है, सुबह एक घंटा आधे घंटे मेडिटेशन कर लिया, पूरा 24 घंटे आपके लिए परफेक्ट हो गया। अब गलतियों की गुंजाइश कम होगी, बुखार कम हो गया तो बस नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल रहना है तो मेडिटेशन करो, नहीं करो तो फिर भुगतो। ये अभी सर आपने काफ़ी हर पहलू को काफ़ी अच्छे से रखा, अपनी बात को अच्छे से रखा। आई होप इससे जो देखने वाले ऑडियंस है काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी कुछ सीखेंगे, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं पर्सन वो भी इससे काफ़ी बेनिफिट उठाएंगे। तो एट द एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। आप यहाँ पे